हमारे सेकंड पार्ट का पहला सवाल ये है कि व्हाट स्किल्स डू वी नीड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि वो कौन कौन से स्किल्स हैं जो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिनकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला स्किल तो है पाइथन। तो पाइथन, अगर आपने पाइथन नहीं सीखी है, और पाइथन सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको डेटा स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए ये बेसिक चीजें हैं जो आपको इन चीजों का लाजमी पता होना चाहिए, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और उसका कंट्रोल फ्लो वगैरह। डेटा स्ट्रक्चर में कुछ डेटा स्ट्रक्चर के कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कि लिस्ट, टपल, एरेस, डिक्शनरीज, सेट एटसेट्रा, और फंक्शन में यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसका डिजाइन पैटर्न और डेकोरेटर्स वगैरह। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पाइथोनिक ऑब्जेक्ट्स, सीक्वेंस हैशिंग और स्लाइसिंग और इनहेरिटेंस और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट्स, और कंट्रोल फ्लो में इफ एल्स की स्टेटमेंट्स, आइटरेबल्स, आइटरेटर्स, जनरेटर एटसेट्रा। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको सीखने पड़ते हैं। इसके अलावा पाइथन के कुछ लाइब्रेरीज हैं जो कि मस्ट नोइंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। इनका इस्तेमाल लाजमी तौर पर होता है अगर आप किसी भी मॉडल को ट्रेन करना चाहें पाइथन के जरिए, जैसे कि नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, एसकेलर्न। ये वो लाइब्रेरीज हैं जो तकरीबन हर मॉडल में अब यूज होती हैं। अभी लाइब्रेरी क्या होती है ये मैं आपको बताऊं। बेसिकली लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन एंड मेथड्स दैट अलाउज यू टू परफॉर्म मेनी एक्शंस विदाउट राइटिंग योर कोड। मतलब ये है कि ये ऐसे रिटन प्रोग्राम्स हैं जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में मदद देते हैं, यानी कि आपको बिल्कुल स्क्रैच से कोड लिखने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ इस लाइब्रेरी को अपने कोड में शामिल करें और फिर आप इस लाइब्रेरी के कोड को आसानी से यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी भी सेपरेट शीट या एक्सेल फाइल का डेटा रीड करना है अपने कोड में, तो आप इस फाइल का डेटा कैसे रीड करेंगे, मतलब कैसे शो करवाएंगे आप उस फाइल का डेटा जो कि एक्सेल फाइल है या सेपरेट शीट है, उसका डेटा कैसे रीड करवाएंगे, कैसे शो कराएंगे? तो उसके लिए आपको पांडास की लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है। मतलब आपने सिर्फ पांडा लाइब्रेरी अपने कोड में इम्पोर्ट करनी है और फिर आप उस फाइल का पाथ पांडा की लाइब्रेरी के जरिए उस फाइल का पाथ देंगे और उसको फिर रीड करवा देंगे। और उसके साथ ही नंपाई की लाइब्रेरी यूज होती है जो किसी भी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए यूज होती है। तो आपको स्क्रैच से बिल्कुल लिखने कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है और इनको यूज करना है। इसी तरह सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कि है डेटा प्री प्रोसेसिंग, यानी कि किसी भी मॉडल को ट्रेन करने से पहले आपका जो डेटा है वो उस फॉर्मेट में होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए, इस कदर क्लीन होना चाहिए कि आप उसके ऊपर एल्गोरिथम अप्लाई कर सकें। अब एल्गोरिथम अप्लाई करने से पहले आपका डेटा कलेक्ट करना, फिर उसको क्लीन करना, फिर उसको एक सुटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना और फिर उसको नॉर्मलाइज करना है, यानी कि उसमें से नॉइज वगैरह खत्म करना, उसकी एवरेजिंग निकालना, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो डेटा प्रोसेसिंग के अंदर, डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर कवर होते हैं। और ऑलमोस्ट आपका 90% वर्क जो है वो डेटा प्री प्रोसेसिंग में ही लगता है, बाकी 10% वर्क, रिमेनिंग वर्क जो है वो आपका एल्गोरिथम अप्लाई करने में होता है। और तीसरे नंबर पे फिर जब आपने डेटा गैदर कर लिया, क्लीन कर लिया, फिर किसी सुटेबल फॉर्मेट में भी ले आया, अब आपने उसके ऊपर मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स अप्लाई करने हैं। अब मशीन लर्निंग के या डीप लर्निंग के जो भी एल्गोरिथम आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहें, वो एल्गोरिथम की स्टेज तब आती है तीसरे नंबर पे। अभी कौन कौन से एल्गोरिथम आपने कौन सी उसके अंदर से इनसाइट्स निकाल लिए, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी वेदर के ऊपर, किसी सिटी के या किसी शहर का अपने वेदर की फोरकास्टिंग करनी है, मतलब यानी कि आपने उसका वेदर मालूम करना है किसी कंट्री का, तो उसके लिए रिग्रेशन के एल्गोरिथम्स यूज होते हैं। मार्केट फोरकास्टिंग के लिए भी रिग्रेशन के यूज होते हैं। फिर क्लासिफिकेशन, किसी अगर अपने मॉडल को आपने इमेजेस के जरिए ट्रेन करना है, तो उसके लिए मशीन लर्निंग के सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम्स यूज होते हैं। इसी तरह अगर आपने बगैर लेबल के अपने मॉडल को ट्रेन करना है, तो उसके लिए अनसुपरवाइज लर्निंग के मॉडल्स यूज होते हैं, जैसे कि डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, क्लस्टरिंग और रीइंफोर्समेंट वगैरह। ये सब चीजें, ये सब वो कॉन्सेप्ट्स और एल्गोरिथम है जो हम आगे आने वाली वीडियोस में जरूर पढ़ेंगे। यहाँ मैं सिर्फ आपको एक बेसिक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि ये स्किल निहायत ही इंपॉर्टेंट है। और ये तीसरे नंबर पे इसकी बारी आती है जब आपने एक तो डेटा को, उस डेटा सेट को आपने अपने कोड में इंक्लूड कर लिया और उसको फिर क्लीन कर लिया, प्री प्रोसेसिंग के सारा वर्कआउट उस पर अप्लाई कर लिया। फिर तीसरे नंबर पे बारी आती है कि एल्गोरिथम्स को अप्लाई करना। ये एल्गोरिथम्स को अप्लाई करना आपको आना चाहिए, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट स्किल है। रिमेनिंग 10% वर्क जो है वो इसी के अंदर इंक्लूड होता है। और फाइनली जो है ना, आपको फ्रेमवर्क, फेमिलियरिटी विद फ्रेमवर्क, यानी कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के ये वो और डीप लर्निंग के ये वो फ्रेमवर्क है जिनको आपको पता होना चाहिए, जैसे कि साइकिट लर्न, टेंसर फ्लो, थियानो, कैफे, ग्रास, पाइटॉर्च, ऑटो एमएल, ये और भी बहुत सारे हैं। ये वो फ्रेमवर्क्स हैं जो कि अब यूज हो रहे हैं मशीन लर्निंग के अंदर, और इन इन फ्रेमवर्क्स का आपको पता होना चाहिए। अगर आपने इनमें से
अगर आपने स्टार्टिंग से शुरू करना है एज अ बिगनर है तो आप टेंसर फ्लो के ऊपर शुरू कर सकते हैं। साइकिल लर्न तो तकरीबन यूज होता ही है अब सब में, टेंसर फ्लो के ऊपर यूज कर सकते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम इनमें से कोई एक फ्रेमवर्क चूज करेंगे, हम उसके ऊपर हम काम शुरू करेंगे। जैसे कि टेंसर फ्लो या केरास या पाइटॉर्च, इनमें से हम कोई एक चूज करेंगे और उस फ्रेमवर्क पे हम अपना काम शुरू करेंगे। तो बेसिकली ये फ्रेमवर्क के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये स्किल्स आप लोग सीख लेते हैं तो समझ लें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसी भी मॉडल को आप ट्रेन करने के काबिल हो सकते हैं। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट सवाल ये था कि व्हाट फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वुड बिकम फेमस इन द फ्यूचर, और सिंपल वर्ड्स में कि वो कौन सी फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा होगी। पॉपुलैरिटी तो अभी भी बहुत ज्यादा है लेकिन आने वाले वक्त में उसकी और भी ज्यादा हो सकती है। वो मेरे ख्याल में जो तो डेटा साइंटिस्ट, बिकॉज डेटा इज द न्यू ऑयल। ये टर्म आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि बिकॉज डेटा इज द न्यू ऑयल। जिसके पास पहले इंफॉर्मेशन आ गई समझ लें वो, तो वो उसके ऊपर पहले एक्ट कर सकता है। किसी भी बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए उसके अंदर बेहतरीन डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, और बेहतरीन डिसीजन जो है वो डेटा की बुनियाद पर लिए जा सकता है। और कोई भी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से चलाने के लिए बेहतर डिसीजन लेना चाहती है, और बेहतर डिसीजन लेने के लिए उनके पास अच्छी से अच्छी इनसाइट्स होनी चाहिए। मतलब अपने डेटा के ऊपर उनको पूरी ग्रिप होनी चाहिए कि कौन सा डिसीजन उनके बिजनेस के लिए बेहतर होगा। तो जाहिर सी बात है ये काम तो डेटा साइंटिस्ट करते हैं, जो कि जिनका काम ही है कि वो किसी भी डेटा के ऊपर मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स अप्लाई करके उसके अंदर से बिग डेटा सेट्स के ऊपर एल्गोरिथम अप्लाई करके उनके अंदर से इनसाइट्स निकाल सकें और फिर उस कंपनी को अपनी रिपोर्ट पेश कर सकें कि ये डिसीजन आपने लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ, जैसे कि जैज वाले अगर किसी एरिया में अपने टावर्स लगाना चाहते हैं या कोई नई अपनी सर्विस मुतारिफ करवाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो सबसे पहले उस एरिया की या उस सिटी में जितने भी लोगों ने पास में जो भी उन लोगों ने लोड वगैरह करवाने की उनकी कैपेसिटी होगी वो फिर उसी हिसाब से वो चीज मुतारिफ करवाएंगे। अगर एक साल के अंदर उस सिटी में ज्यादातर लोगों ने कम लोड करवाया, मतलब उनकी कैपेसिटी इजी लोड करवाने की कम है, तो वो उसी हिसाब से पैकेज का अंदाजा लगा के उस सिटी के लिए, उस एरिया के लिए वो उसी हिसाब से वो पैकेज मुतारिफ करवाएंगे। लेकिन अगर और ये एरिया वाइज इसी वजह से ये डिफरेंट होती रहती है पैकेजेस। ये तो मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह से अगर किसी कोई प्रॉपर्टी का कोई बिजनेस कर रहा है, अब वो उस एरिया के की प्रॉपर्टी वैल्यू अगर किसी ने कैलकुलेट करना है तो फिर वो वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड का जायजा लेगा कि भाई यहां के लोगों का या इस एरिया का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है, फिर वो उसी हिसाब से उस एरिया की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है किसी भी बिजनेस के अंदर। तो इसी वजह से डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, दे आर हाईली इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी वजह से इनकी हाईएस्ट पेइंग सैलरीज भी हैं, और लाइक मोर एक्यूरेट यू गेन इनसाइट द मोर यू अर्न। मतलब यानी कि आपकी पेज को जितनी ज्यादा अच्छी होगी आप उतना ज्यादा कमा सकते, और जाहिर सी बात है इसी वजह से इनकी अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है ऑल अदर फील्ड। तो डेटा साइंटिस्ट वो मेरे नजरिए में, मे बी लोगों का डिफरेंट नजरिया हो, लेकिन मेरे नजरिए में डेटा साइंटिस्ट वो हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बेहतर इनसाइट्स लेना उसमें से बहुत जरूरी है, और ये काम डेटा साइंटिस्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि हाउ वी कैन ब्रिंग अवर चिल्ड्रन टुवर्ड्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यानी कि बच्चों को कैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ ला सकते हैं, उनका माइंड कैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ लेके आ सकते हैं। इस सवाल का जवाब हमारे अगले दो सवालों के जवाब में है कि व्हाट आर द टूल्स फॉर चिल्ड्रन फॉर प्रोग्रामिंग, यानी कि वो कौन कौन से टूल्स हैं जो बच्चों को हम सिखा सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ, और वो कौन से टूल्स हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। यानी कि ये ऐसे टूल्स होंगे जिनमें खेल ही खेल में बच्चे गेम्स वगैरह बना के और कुछ भी ड्राइंग करके इस तरह ही सीखते रहेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बना के, और आहिस्ता आहिस्ता वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाना भी सीखेंगे। इसके अलावा हम आवर ऑफ कोड पढ़ेंगे कि आवर ऑफ कोड क्या है एंड व्हाई इट इज मच नीडेड नेसेसिटी ऑफ द टाइम। ये आवर ऑफ कोड एक कॉन्सेप्ट है जो वेस्ट में और यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा है। अभी से ही बच्चों को आवर ऑफ कोड की तरफ लेके आया जा रहा है, हर क्लास के बच्चों के लिए निसाब सेट कर दिए गए हैं, उस क्लास के बच्चों को वो निसाब पढ़ाया जा रहा है कोडिंग की तरफ, प्रोग्रामिंग की तरफ। मैं ये भी बताऊंगा कि पढ़ाया कैसे जाएगा बच्चों को स्कूलों में, कौन कौन से निसाब पढ़ाए जाएंगे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, मतलब यानी कि अभी से ही उनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ उनको लेकर आया जाए, वो कौन कौन से तरीकेकार हैं और वो कौन कौन से टूल्स हैं जो हम आवर ऑफ कोड के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहला टूल है स्क्रैच, SCRATCH। आप गूगल पे लिखेंगे स्क्रैच तो सबसे पहला जो लिंक आएगा आप उसको ओपन कर लीजिए, वो लिंक होगा scratch.mit.edu का। तो ये सॉफ्टवेयर आप इसको ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, और इसको आप इसका आप डाउनलोडेड वर्जन भी यूज कर सकते हैं। डाउनलोडेड वर्जन यूज करने के लिए आपको नीचे आके उसके स्पॉट में देखेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन होगा, आप इस पे क्लिक करके इसका डाउनलोडेड वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप अगर विंडोज यूज
कर रहे हैं तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप एंड्रॉइड पे यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम ऑनलाइन वर्जन यूज करेंगे, इसलिए हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले पहले जो हमारे पास विंडो आएगी वो कुछ इस तरह से होगी कि इसके अंदर हमें एक वीडियो, आप देख सकते हैं कि एक वीडियो भी शो हो रही है, आप चाहें तो ये वीडियो भी देख सकते हैं कि इसमें बेसिकली ये ट्यूटोरियल है कि इसको कैसे यूज करना है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आपके सामने इस वक्त जो ब्लॉक्स हैं, मिड वाला ब्लॉक जो है वो उस पर इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है, और साइड वाले ब्लॉक्स में काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन बॉक्स है, और राइट साइड पे एक रनिंग ब्लॉक है जहाँ जो जिसमें आपके आउटपुट नज़र आएगा, और उसके नीचे जो है वो आपके करेक्टर्स की फाइल्स यहाँ पर रखी जाती है और उनकी सेटिंग होती है, और ऊपर जो दो आपको नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर का फ्लैग, उससे रन होता है और उसके साथ प्रोग्राम स्टॉप होता है। और इसके अलावा इसको फुल स्क्रीन भी करके आउटपुट देखा जा सकता है, और उसके अलावा इसकी साउंड्स, उसकी कॉस्ट्यूम्स और उसकी उसका कोड कोड ब्लॉक्स का साइड्स पे आपको नज़र आएगा। तो अब हमने सबसे पहले अपने इस जो हमारे पास कार्टून करेक्टर है कैट, हमने इसको हेलो कहलवाना है, इससे मतलब स्क्रीन पे हेलो प्रिंट करवाना है। तो ये हमें किस तरह से कह सकेगी, तो सबसे पहले हमें प्रोग्राम रन करने के लिए हमें वेन फ्लैग क्लिक का हमने ये इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कंप्यूटर को। ये नेसेसरी है कोई भी, ये नेसेसरी है कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन यही होती है, क्योंकि जब ये इंस्ट्रक्शन लिखी होगी तभी हम उस फ्लैग पे क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद हमारा प्रोग्राम रन होगा। सेकंड इंस्ट्रक्शन हम लुक्स में आके देखेंगे कि से हेलो, अब से हेलो के हमने सेकंड इंस्ट्रक्शन दी है, अब हमने रन जैसे ही किया तो वो हमें से हेलो कैट कहेगी, और इस आप देख सकते हैं कि इसका ये से हेलो का प्रोग्राम रन हुआ है। अब इसके अलावा आप इसको अगर हम डिलीट करेंगे तो हम सीधा सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब हमने ये करेक्टर डिलीट करके अपना कोई करेक्टर बनाना है, अपना करेक्टर बनाने के लिए हम उस पर क्लिक करेंगे। आप इसके यहाँ पे आपके पास और भी बहुत सारे करेक्टर हैं, आप चाहें तो इनमें से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना कोई करेक्टर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हम सिंपली पेंट पे क्लिक करेंगे, और पेंट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपना कोई भी करेक्टर बनाएंगे। जैसे कि हम एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल में बनाने के बाद हमने इसी सर्कल से हम इसकी आइज़ बनाते हैं, आइज़ बनाएंगे और फिर इसके इसका फेस बनाएंगे। कोई भी करेक्टर बना सकते हैं, आप चाहें तो अपना कोई भी करेक्टर बनाएं, और फिर हम एक सिंपल सी गेम बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, जिसमें ये करेक्टर कोई भी एप्पल या फ्रूट वगैरह कुछ खाएगा। हम सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे यहाँ पे, ये अब हमने इसकी आइज़ बनाई है, आइज़। अब इसके अलावा अब हम इसके लिप्स बनाएंगे, इसको हम शॉर्ट कर देंगे। ये होने के बाद हम इसके कोड पे जाएंगे, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया करेक्टर। अब हम इसको कोड उसको हम इसका हम कोड लिखेंगे। अब हम इसका कोड इस तरह से लिखेंगे कि हम जहाँ जहाँ हमारा माउस मूव होगा वैसे वैसे ये हमारे माउस के साथ मूव होगा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले अपना वेन फ्लैग क्लिक कर की इंस्ट्रक्शन लगाई, और इसके अलावा हमें फॉर एवर की का लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि माउस जब मूव होता है तो कंटिन्यूसली मूव होता है, तो इसलिए हमें फॉर एवर का लूप लगाना पड़ेगा। वो हमें मिल जाएगा कंट्रोल में फॉर एवर लगाएंगे। फॉर एवर के अंदर हम फिर ये गो टू की इंस्ट्रक्शन लगाएंगे,
गो टू की इंस्ट्रक्शन के और माउस पॉइंटर को हम फॉलो करेंगे। अब देखें हमारे जहाँ जहाँ हमारा माउस जा रहा है ये हमें वहाँ वहाँ फॉलो कर रहा है हमें। इसके साथ ही हमें एक और हम अपना करेक्टर लेंगे कोई भी, जैसे कि एप्पल, एप्पल एक हम करेक्टर लेंगे और हम इस एप्पल करेक्टर को इसका साइज हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसका साइज हम 50 कर देते हैं लेट्स से। और अब हम इस करेक्टर की कोडिंग करेंगे, जैसे कि जब भी ये हमारा करेक्टर उसको एप्पल को टच करेगा अगर हम अलग से बना कर करें कि जब भी ये क्लिक करे टच करेगा तो, लेकिन इसको फॉरएवर के लूप में लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ट्राई करके देख लेते हैं, अलग से ट्राई करके देखते हैं। इसको हम अलग से ट्राई करके देखते हैं, व्हेनेवर इट टचस एप्पल यस, व्हेनेवर इट टचस एप्पल इट विल गोइंग टू विल से इट्स यमी, वाओ इट्स यमी, ओके। बट इसको आई थिंक फॉरएवर के रूप में लगाना पड़ेगा, यस इसको फॉरएवर के लूप में ही लगाना पड़ेगा। तो हम इसको फॉरएवर के लूप में लगा देंगे। अब इसको हम फ्लेवर के, ये देखिए अब इसको फ्लेवर के लूप में लगाया तो अब ये सही से वर्क कर रहा है। फोर का लूप क्या होता है ये मतलब इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन चलता है प्रोग्राम, क्योंकि हम हमारे माउस की डायरेक्शन हर दफ़ा में चेंज होती है, इस वजह से हमें फ्लेवर का लूप लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि जैसे ही इसको टच करेगा तो हम एप्पल को हाइड करवा देंगे। हाइड करवाने के लिए हमें एप्पल की कोडिंग करनी पड़ेगी। तो जब ये जैसे ही एप्पल को टच करेगा हम एप्पल को हाइड करवाएंगे। अब एप्पल की कोडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले इसका इवेंट डालना पड़ेगा। इवेंट डालने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो प्रोग्राम चलाना ज़रूरी है, उसके लिए हमें ये इंस्ट्रक्शन लगानी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अब हम इसको शुरू में हाइड कर देंगे। अब हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको शुरू में हाइड कर देंगे और इसको डिफरेंट कुछ सेकेंड के बाद थोड़ा वेट करवा के डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर इसको हर दफ़ा में जब भी हम रन करेंगे प्रोग्राम ये डिफरेंट पोजीशन पे हमें एप्पल नज़र आएगा, एक ही पोजीशन पे नज़र नहीं आएगा। तो ऐसा करते हैं कि अब हम इसे एक्स और वाई की पोजीशन सेट करते हैं। एक्स और वाई मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल हम इसकी पोजीशन सेट करेंगे, और पोजीशन में हम कोई भी रेंडम वेरिएबल रखेंगे। रेंडम मतलब जब भी प्रोग्राम रन होगा कंप्यूटर अपने आप से हम लिमिट सेट कर देंगे कि इस नंबर से इस नंबर के दरमियान कोई भी आप नंबर एक जनरेट करके एक्स की पोजीशन में मतलब एक्स हॉरिजेंटल वाई वर्टिकल ये दो पोजीशन हम इसकी सेट कर रहे हैं। एक्स की पोजीशन हम सेट कर देते हैं -180 to 180, मतलब -180 से 180 के दर पॉजिटिव +180 के दरमियान कोई भी
एक रैंडम वेरिएबल जनरेट होगा और उसके दरमियान की कोई भी वैल्यू आएगी जिस पोजीशन पे हमें एप्पल नज़र आएगा। इसी तरह हम वाई की वैल्यू भी ऐसी -90 to 90 सेट कर देते हैं, और जब भी प्रोग्राम रन होगा पहले इंस्ट्रक्शन हाइड है, सबसे पहले एप्पल जो है वो हाइड हो जाएगा, दूसरी इंस्ट्रक्शन है फिर ये 2 सेकंड का वेट करेगा, उसके बाद फिर एक्स की पोजीशन सेट होगी, फिर वाई की पोजीशन सेट होगी और फिर एप्पल शो होगा। देखिए 2 सेकंड के बाद शो हुआ एप्पल, इसको स्टॉप करके फिर चलाते हैं। अब 1 2 2 के बाद फिर सेट हुआ। अब ये इसकी पोजीशन, वाई की पोजीशन थोड़ी सेट करनी पड़ेगी, एप्पल ऊपर जा रहा है, फिर से चला के देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सही काम कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। अब इसकी एप्पल की पोजीशन हम थोड़ा सा वाई की पोजीशन सेट करते हैं, थोड़ा कम करनी पड़ेगी, 160 करके देखते हैं, -160 to 160। नाउ इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है, इट्स हाई। अब हमें इसको हाइड करवाना पड़ेगा, जैसे ही इसको टच करेगा तो एप्पल, मतलब जैसे ही ये इसको खा लेगा, तो खाने के बाद ऐसी बात है एप्पल को तो गायब हो जाना चाहिए। अब हम एप्पल को गायब करवाते हैं, उसके लिए हमें इफ़ की कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ़ से मुराद ये है कि अगर उसने खा लिया तो वो गायब हो जाएगा, तो ये इसके लिए हमें इफ़ का लूप, इफ़ की कंडी स्टेटमेंट लगानी पड़ती है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में बहुत आम है। इफ़ की स्टेटमेंट, अब ये इंस्ट्रक्शन देखने वाली है यहाँ पे कि इसके लूप को समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले देखें, हमने हाइट एप्पल की इंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहले तो इसको हाइड करवाया, उसके बाद वेट 2 सेकंड का करवाया, फिर एक्स की पोजीशन सेट की, फिर वाई की पोजीशन सेट की, फिर उसको शो करवा दिया। उसके बाद हम इफ़ की स्टेटमेंट लगा रहे हैं। इफ़ की स्टेटमेंट में ये है कि अगर इट टचेस फेस, फेस ने एप्पल को टच किया, अगर फेस ने एप्पल को टच किया तो एप्पल को गायब हो जाना चाहिए। इसके लिए हमें एप्पल को फॉरएवर लूप में लगाना पड़ेगा। फॉरएवर लूप में लगाने के लिए हमें यहाँ पे फॉरएवर का लूप डालना पड़ेगा। एप्पल की थोड़ी सी पोजीशन कम कर देते हैं, जैसे कि -90 करके देखते हैं, 90 -190 to 90। I'm sorry, मेरा गला कुछ ख़राब है आज। -190 to 90, ठीक है, सही है। इसको फॉरएवर के लूप में लगाना पड़ेगा तभी ये सही से वर्क करेगा। फॉरएवर, यस, फॉरएवर का लूप, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर से चला के देखते हैं, 2 सेकंड के बाद जनरेट होगा, इसको टच हुआ, उसने बोला वाओ इट्स फनी, इट्स यमी, सॉरी इट्स यमी, और ये गायब हो गया, ठीक है। अब हम जैसे ऐसा करते हैं कि जैसे इसको टच करे तो प्रोग्राम स्टॉप हो जाए। इसके लिए हम कंट्रोल में गए, कंट्रोल में हमने स्टॉप्स को सर्च किया, स्टॉप प्रोग्राम को स्टॉप करवा दिया। अभी जैसे इसको टच करेगा प्रोग्राम स्टॉप हो जाया करेगा। इसकी पोजीशन 150 करके देखते हैं। ओके, इट्स वर्किंग फाइन। अब हम एक अलग दूसरा करेक्टर बनाते हैं, एक बड़ा डेंजर करेक्टर बनाते हैं, इससे भी बड़ा, जो हमारे फेस वाले करेक्टर को खा जाएगा। तो
उसको रेक्टेंगल होना चाहिए, सर्कल नहीं होना चाहिए। हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल में अब इसकी हम आईज बनाएंगे। इसको पहले फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के लिए हमें इसमें कलर करना पड़ेगा, कोई भी कलर ले लेते हैं, पर्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। इसकी अब आईज बना लेते हैं हम। आईज का कलर थोड़ा कुछ और होना चाहिए। आईज के कलर भी कोई भी ले लेते हैं, आप कोई भी करेक्टर बना सकते हैं यहाँ पे। इसकी आईज हो जाएंगी। का फेस बना लेंगे। ये हमने एक करेक्टर बना लिया यहाँ पे। अब इसका हम साइज सेटिंग कर देते हैं। इसका हम इसकी अब हम कोडिंग करेंगे। इसका साइज हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। एप्पल का साइज हो जाएगा, इट शुड बी 25। एप्पल इट्स 50। 50 हम अपने फेस कैरेक्टर को कर देते हैं। एप्पल का हम अब 25 कर देते हैं। और हम अपने बड़े करेक्टर का बड़े करेक्टर का साइज ठीक है। सही है। बेसिकली अब हमारा बड़ा करेक्टर जो है वो हमारे छोटे वाले करेक्टर की फॉलो करेगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको रन करवाने के लिए पहली स्टेटमेंट हमें लगानी पड़ेगी स्टार्ट की। अब हमें इसको देखना पड़ेगा, पॉइंट टूवर्ड्स द फेस करेक्टर, ठीक है। इसके लिए पहले फॉरएवर का हमें लगाना पड़ेगा। फॉरएवर लगाने के बाद हमें अपने बड़े करेक्टर का फेस इसकी तरफ करवाना है, हमारे छोटे करेक्टर की तरफ। उसके लिए हमें पॉइंट टूवर्ड्स की लगाई और उसका हमने अपना करेक्टर फेस कर दिया। इसका नाम हम डेंजर रख देते हैं क्योंकि ये उसके लिए डेंजर है। तो अब हम इसको रन करेंगे और इसका ये उसकी तरफ टर्न हो जाया करेगा अपने रन करने के बाद। अब हमने क्या करना है कि इसको मूव करवाना है फर्दर हमारे फेस करेक्टर की तरफ। तो अब हम मूव टूवर्ड्स 10 स्टेप्स टूवर्ड्स द फेस करेक्टर। हमने ये लगा दी स्टेटमेंट, अब रन किया। अब ये देखिए, अब ये हमारे छोटे करेक्टर को पकड़ने के लिए मूव कर रहा है आगे। एट 1 सेकेंड में ये 10 स्टेप्स मूव कर रहा है। इसको हम इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसको कम करने के लिए 5 स्टेप्स कर दे रहे हैं। अब इसकी स्पीड कुछ कम हो गई है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली मूव कर रहा है। अब हमने क्या करना है कि हम ऐसा करते हैं, इसका साइज थोड़ा कम कर देते हैं। साइज शुड बी 75। नाउ अब हम ऐसा करते हैं कि जैसे ही इसको टच करेगा तो हम कोई स्टेटमेंट इसकी प्रिंट करवाते हैं। जैसे कि इसके लिए हमें इफ की स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। इफ की स्टेटमेंट के लिए हमें कंट्रोल में जाना पड़ेगा। इफ की स्टेटमेंट लगाते हैं हम। अब यहाँ पे हमें सेंसिंग में जाके इफ़ इट टचेस द फेस करेक्टर देन इट शुड से हा हा दिस इज कॉल्ड यमी। ओके, मतलब वो एप्पल खा रहा है और ये उसको खा रहा है, ठीक है। अब हम रन करवाएंगे। अब ये इसको टच होते साथ ही बोलेगा कि हा हा दिस इज कॉल्ड यमी। अब देखते हैं कि वो हमारा करेक्टर पहले एप्पल खाता है या हमारे करेक्टर को वो डेंजर वो खा लेता है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि अब
अगर इसको डेंजर, इसको टच हो जाए तो इट शुड बी हाइड, इट शुड से ओ नो, इट शुड से नो एंड देन हम इसको हाइड करवाएंगे. इसको हम हाइड करवा देते हैं. ठीक है, इसको अब रन करवाएंगे. इसको अब हम हाइड हो गया लेकिन स्टॉप नहीं हुआ प्रोग्राम. अब हमें जैसे ही इसको खा लेगा तो हमें प्रोग्राम को स्टॉप करवाना है. ठीक है, हमारा करेक्टर गायब हो गया, इस वजह से हमें इसको फिर से शो करवाने के लिए फॉरएवर लूप के बाहर इसको रखना पड़ेगा. ठीक है, शो को हमें फॉरएवर लूप के बाहर रखना पड़ेगा वरना ये लूप में चलता रहेगा बार बार. शो को फॉरएवर लूप से हमें बाहर रखना है ऊपर की तरफ. ठीक है, अब सही है. प्रोग्राम को स्टॉप करवाएंगे. जैसे इसको खा लेगा तो प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा. लेकिन हमारा ये नज़र नहीं आ रहा है इस ओ नो, तो हम इसको 1 सेकंड के लिए या उससे कम रखवाने के लिए हमें दूसरे हेलो फॉर 2 सेकंड की स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी. तो अब 2 सेकंड, 1 सेकंड, ठीक है, ये ओ नो की 1 सेकंड की स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद प्रोग्राम हमारा स्टॉप होगा. इसी तरह ही हम एक और स्टेटमेंट लगा देते हैं. जैसे कि अगर ये पहले एप्पल को खा लेता है तो ये बोल कि तो हमारा करेक्टर गेम जीत जाएगा. तो यस, फिर उसकी प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए कि यस आई विन. लेकिन इसके लिए हमें इसको 1 सेकेंड, 1 या 2 सेकेंड या उससे कम का टाइम देना पड़ेगा प्रिंट होने के लिए. तो हमें इस से हेलो फॉर 2 सेकेंड ये वाली स्टेटमेंट हमें यूज़ करनी है. हम एक ही में भी लिख सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे दो अलग अलग यूज़ कर रहा हूँ. वाओ इट्स फनी एंड यस आई विन हम एक ही में भी लिख सकते हैं लेकिन मैं यहाँ अलग अलग यूज़ कर रहा हूँ. आप चाहें तो एक ही में भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर 1 सेकेंड के लिए हम यूज़ करेंगे. तो अब जैसे ही इसको एप्पल को टच करेगा तो ऑलराइट. नो इट्स फनी यस हैपन. ओके ठीक है, ये वर्किंग सही वर्किंग में है इस वक्त. लेकिन मेरे ख्याल से हमने प्रोग्राम पहले स्टॉप हो रहा है वो इस वजह से कि एप्पल में हम उसको स्टॉप करवा रहे हैं. हमें यहाँ से स्टॉप हटा के उधर स्टॉप करना पड़ेगा कि जब वो उसको खाएगा. तो यहाँ से हम स्टॉप हटा देते हैं और वहाँ हम इसको स्टॉप करवाने की स्टेटमेंट लिख देंगे. यहाँ जब वो बोलेगा कि यस आई विन तो उसके बाद फिर प्रोग्राम स्टॉप करवाएंगे. ये है मेरे ख्याल से यहाँ कंट्रोल्स में स्टॉप. स्टॉप ओके,
now this should be working fine. Yes, it's working fine. Okay. ठीक है, टाइम मेरे ख्याल से 1 सेकंड ज़्यादा है, क्योंकि 1 सेकंड से कम में गेम स्टॉप हो रही है, क्योंकि दो स्टेटमेंट का क्लैश हो रहा है आपस में. एक जगह उस एक को 1 सेकंड चाहिए, दूसरी जगह वो स्टॉप हो रहा है. तो नीचे वाला स्टॉप की टाइमिंग हमें कम करनी पड़ेगी, 0.5. ठीक है, अगर वो पहले टच हो जाता है तो वो 0.5. ठीक है, इट्स गुड. हमारा नेक्स्ट टूल है code.org. code.org एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है. ये बेसिकली ये एक ऐसा टूल है जिसमें बच्चे गेम्स तैयार कर सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, कोई भी आर्ट वर्क कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं. ये इतनी बड़ी वेबसाइट है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अब ये बन चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड, के इसी वेबसाइट के नाम से इन्होंने आवर ऑफ कोड एक प्रोग्राम शुरू किया है, कि कोई भी बच्चा अब उसे दिन में 1 घंटा कोडिंग के लिए ज़रूर निकालना पड़ेगा. इसी वजह से इसका नाम आवर ऑफ कोड के नाम से रखा गया है. इस प्रोग्राम को अब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पानी इसको सपोर्ट कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स और ट्विटर के बानी, हर कोई इस आवर ऑफ कोड को सपोर्ट कर रहा है. आप इसकी वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब पे. इस वेबसाइट पे आपको हर तरह के ट्यूटोरियल्स और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, हर तरह का निसाब मिलेगा हर क्लास का. फॉर एग्जांपल अगर हमने किस तरह से टीच करना है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, तो आप सिंपली इस वेबसाइट पे आएँ. और आप यहाँ वैसे तो आप साइन इन भी कर सके देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस पे टीच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कोर्सेज किस क्लास के बच्चों को पढ़ाने चाहिए. रिकमेंडेड कोर्सेज code.org. अब ये कोर्सेज हैं एलिमेंट्री स्कूल के, मिडिल स्कूल के और हाई स्कूल के, यानी KG1 से ले के इंटर तक, पूरे इंटरमीडिएट तक तमाम कोर्सेज इसके ऊपर अवेलेबल हैं. टीचर्स के लिए स्पेशली ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है. स्टूडेंट्स के लिए भी है, लेकिन टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है और कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाने हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एलिमेंट्री स्कूल के लिए लूँ, तो इसके अंदर हम कंप्यूटर साइंस फील्ड की फंडामेंटल्स पढ़ाए जाएंगे, मतलब के वन से ले के जी वन से ले के फाइव तक के
क्लास 5 तक के बच्चों को हम कंप्यूटर साइंस फील्ड की फंडामेंटल्स पढ़ाएंगे, और उसमें क्या क्या होगा, उसके किस तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे वो आप यहाँ देख सकते हैं। उस पर जिस तरह मैंने क्लिक किया है, अब यहाँ से अगर हम इसको देखना चाहें तो हम इसकी इसके इसके पूरे कोर्सेज देख सकते हैं हम, कि इसके कौन कौन से कोर्सेज शामिल हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इसके अंदर शामिल हैं, कोर्स ए कोर्स बी। अब अगर फ़र्ज़ करें हमने कोर्स ए की डिटेल्स देखनी है, अब ये ग्रेड 1 देखिए, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, हर क्लास के अलग अलग कोर्सेज हैं। अभी ग्रेड ए फॉर एग्जांपल हमने इसका कोर्स देखना है कि क्लास 1 की ग्रेड ए मतलब ग्रेड ए एंड ग्रेड बी मतलब केजी 1 और फर्स्ट 1 क्लास, इन क्लास के बच्चों को भी हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करवा सकते हैं। अब वो कैसे करवाएंगे, हम इसका कोर्स देखते हैं कि इसके कोर्स में हमें क्या मिलता है। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें ना सिर्फ सिर्फ बच्चों को सीखने को मिलेगा बल्कि टीचर्स पेरेंट्स और कोई भी इसके अंदर सीख सकता है। मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट भी हैं और अगर आप प्रोग्रामिंग की तरफ आना चाहते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आ सकते हैं। code.org एक बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है और इसको हर कोई सपोर्ट करता है, इवन बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, फेसबुक और ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, इवन गूगल इटसेल्फ इस code.org के कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा मतलब फ़रोग दे रहे हैं इनको के। और एक घंटा कोडिंग तो अपनी लाइफ में आपको मस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस फील्ड के इसी फील्ड का फ्यूचर जो है इसी फील्ड के अंदर है, इसी वजह से बच्चों को इस कॉन्सेप्ट की तरफ हमें लेकर आना पड़ेगा। अभी हमें केजी 1 के कोर्स मैंने खोला हुआ है, अब इस केजी 1 के अंदर हमने किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ये प्रैक्टिस 1 जिस तरह है, पहला लेसन जो है डिजिटल सिटीजनशिप सीक्वेंस में है, अनप्लग एक्टिविटी, ये अब एक एक्टिविटी है, इसको हम खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। अब ये याद रखिएगा कि ये केजी वन के बच्चों के लिए है। अब केजी 1 के बच्चों के लिए अब ये इन्होंने ट्यूटोरियल वीडियो भी डाली हुई है सबसे पहले कि बच्चों को किस तरह से इस अब आप जो भी ट्यूटोरियल खोलेंगे उसके शुरू में आपको वीडियोस मिलेंगी, दरमियान में भी वीडियोस मिलती रहेंगी, मतलब आपको ये लोग दरमियान दरमियान में गाइड भी करते रहेंगे कि आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है और किस तरह से आपने इसको चलाना है, ये सब आपको दरमियान में मिलता रहेगा। अब ये वीडियो आप इसको खोल के देख लीजिएगा, मैं तो अभी आपको दिखा रहा हूँ कि ये कोर्स किस तरह से आगे बढ़ेगा। इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं, इसको हम कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं कि क्लिक द ब्लॉग। ओके, अब हमने क्लिक द ब्लॉग पे क्लिक करना है। अब हमने बच्चों को किस तरह से सिखाना है, सिंपली इस पे क्लिक करना है। अब ये पहला टास्क सिंपल ये था कि इस पे क्लिक करना है। अब अगला टास्क शुरू होगा, इसी तरह ही पूरे इसके टास्क होंगे। अब ऐसे ही करते करते बच्चों को सिखाना है। अब ड्रैग द ब्लॉग टू द टारगेट, अब इसके अंदर हम एक सिंपल सा टास्क है कि ड्रैग द ब्लॉग टू द टारगेट, या आपने ये टास्क पूरा कर लिया। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ से हम बच्चों को प्रोग्रामिंग की तरफ ला सकते हैं। मैं वापस पीछे जाना चाहूँगा, मैं आपको क्योंकि सिर्फ केजी 1 का ही कोर्स नहीं दिखाना चाहता, मैं आपको और भी सारी क्लासेस का थोड़ा थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कोर्सेज में क्या क्या मौजूद है, ताकि आपको आइडिया हो कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और इससे हम मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, टीचर्स इससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, कॉलेज, स्कूल्स, और पूरा एक हमारा कोर्सेज हमारा निसाब सेट हो सकता है कि किस तरह से पढ़ाया जाएगा ग्रेजुअली बच्चों को। और मे बी अच्छे स्कूल्स तो पढ़ा ही रहे होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सरकारी स्कूलों में अभी तक ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा होगा। अब फॉर एग्जांपल मिडिल स्कूल की तरफ आते हैं कि मिडिल स्कूल में कौन कौन से इसके निसाब शामिल हैं। अब ये देखिए कि मैंने मिडिल स्कूल पे क्लिक किया था, इसके सारा पूरा करिकुलम सेट हुआ हुआ है, इसके करिकुलम की लेंथ भी है 550 to 150 आवर्स की कोर्सेज की इन्होंने पूरी लेंथ डाली हुई है। अब हम क्योंकि जाहिर सी बात है 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक का कोर्स है, अब इसका हम कोर्स देख लेते हैं कि इसके कोर्स में क्या अवेलेबल है। अब देखिए कि इसके अंदर भी CSD यूनिट 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंप्यूटिंग, फिर CSD 2 यूनिट 2 वेब डेवलपमेंट, फिर एनिमेशन एंड गेम्स, ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट है। इसके अंदर कोई
पैसे वैसे नहीं है, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप, मैंने साइन इन नहीं था तो आपको साइन इन करना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने उस पर क्लिक किया था, मैं उसका कोर्स देखना चाह रहा था, तो आपको यहाँ से इसको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के लिए गूगल का अकाउंट है, तो आप सिंपली उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं गूगल का अकाउंट यूज़ कर लेता हूँ, आपने सिर्फ उस पर क्लिक करना है, तो मैं ऑटोमेटिकली साइन इन होके आ जाऊँगा यहाँ पर। अब देखिए मैं साइन इन हो चुका हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से पूरा कोर्सेज खुल चुके हैं मेरे सामने, चैप्टर वन। ये सर इसकी समरी आप ज़रूर पढ़िएगा। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपटीशन इज़ हाईली इंटरेक्टिव एंड कोलैबोरेटरी कोलैबोरेटिव इंट्रोडक्शन टू द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब ये चैप्टर वन है, द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब इसी तरह के अंदर इंट्रो टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। अब हम पहला खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। हमने देखना ये है कि आइदर इट इज़ फ्री और नॉट। मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है आसानी के साथ। तो अब हम लेसन ओवरव्यू करेंगे और लेसन खोल के देखते हैं। यूनिट वन के अंदर हमारे अंदर इसके अंदर है क्या बेसिकली। इसके अंदर कोर्स इसके बारे में बताया गया है। अब ये हमें बता रहा है कि ओवरव्यू दिस इंट्रोड्यूसेस फॉर्मर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रिसोर्सेज डाउनलोड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये हमें क्वेश्चन टू कंसीडर, अब वीडियो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। अब इसके अंदर हमें देखिए कि वीडियो के साथ साथ हमें सिखा भी रहे हैं कि अब वीडियो भी साथ के साथ ही ट्यूटोरियल्स के दरमियान में हमें आती जाएंगी कि हमने किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस को हमें बताएंगे कि इसके अंदर के किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस है। तो चलिए ऐसा करते हैं, हम बैक पे आते हैं और हम अब किसी और क्लास का कोर्स खोलने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये हमने खोला था 6 to 8 तक खोला था। अब ऐसा करते हैं कि हम क्लास 9 तक खोलने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, अब हाई स्कूल का कोर्सेज भी इसके अंदर अवेलेबल है। अब हाई स्कूल के कोर्सेज खोल के भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर से आप क्या कुछ सीख सकते हैं, किस तरह से टीच कर सकते हैं। एवरी थिंग इज़ अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इसके अलावा जो इस अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग की तरफ स्टेप बाय स्टेप आप आते जाएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट कोई गेम्स बनाना चाहते हैं, डायरेक्टली मतलब इस वेबसाइट पे आके आप कोई गेम बनाना चाहते हैं, कोई आर्ट वर्क करना चाहते हैं, कोई पेंटिंग करना चाहते हैं, या अपने बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाना चाहते हैं, बेसिकली ये स्कूल के कोर्सेज तो अपनी जगह स्कूल में फॉलो करेंगे होते हैं, और इसके अलावा जो कोर्सेज हैं वो भी हैं। आप फॉर एग्जांपल, अब ये गेम्स हैं इसके अंदर, वैसे तो प्रोजेक्ट्स भी इसके अंदर काफ़ी सारे हैं, वो भी हम देख लेते हैं, लेकिन यही बेसिकली प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये बच्चों ने सबमिट किए हुए हैं, इन्होंने सबमिट किए हुए। अब इस तरह से ये गेम है, अब ये गेम किस तरह से मतलब बनाई जाएगी, इसको इसको हम देख लेते हैं। अब जिस तरह से हमने इस कोर्स को खोला, ये गेम का प्रोजेक्ट है, इसका नाम है फ्लैपी, कोड योर ओन फ्लैपी गेम। ठीक है, फ्लैपी गेम है। अब इसकी इन्होंने शुरू में इन्होंने कोई वीडियो दी हुई है, और इसमें अंदर ये बताएंगे कि भाई इसमें अंदर कैसे यूज़ करते हैं, इवेंट्स, प्रोग्राम, रन। ये बेसिकली है तो बच्चों के लिए कि बच्चों को किस तरह से प्रोग्रामिंग की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं, मैं ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा ताकि इससे आपको आइडिया हो जाए। हर हर कोर्स के शुरू में आपको एक वीडियो नज़र आएगी। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब हम आगे चलते हैं। अभी हम एक सिंपल सिंपल से टास्क देंगे और बोलेंगे कि आप वैसे ही करो, जिस तरह से हमने अभी स्क्रैच में थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्क्रैच के बारे में बताया था, उसके अंदर भी हमने एक सिंपल सी गेम बनाई थी, प्रोग्राम बनाया था। इस तरह से यहाँ हमें भी थोड़े कुछ टास्क दिए गए हैं, वो हमें परफॉर्म करने हैं, और इसी तरह से यहाँ पे इसका ये आउटपुट विंडो में ये करेक्टर्स रन होंगे। तो हमने ये फ्लैपी गेम चलाई है। अब इसने हमें पहला पहला टास्क हमें दिया हुआ है कि ऐड अ ब्लॉक टू द वेन ब्लॉक, वेन क्लिक ब्लॉक देन प्रेस रन। अब ये एक ब्लॉक है, वेन क्लिक, ये सबसे पहले जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये फ्लिप करेगा, और साउंड की आवाज़ आएगी। ये हमने दो इंस्ट्रक्शन सेट कर दी हैं क्लिक करने के बाद। तो अब ये हमारा पहला टास्क था,
ये देखिए, ये मैंने क्लिक किया, क्लिक करते गए ये फ्लैप किया, इसने ऊपर गया, हमारा टास्क पूरा हो गया। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये लोग देंगे। अब नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या आता है देखते हैं। नेक्स्ट टास्क है कि नाउ वी हैव एडिट सम ग्राउंड अटैच अ ब्लॉक टू द व्हेन हिट ग्राउंड ब्लॉक योर कोर नीड्स टू एंड व्हेन फ्लैपी क्रैशेस। ठीक है, मतलब जब हमने क्लिक करेंगे तो ये फ्लैप करेगा, मतलब जंप मारेगा, और जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा तो आपकी गेम एंड हो जानी चाहिए। तो हम एंड गेम की इंस्ट्रक्शन हिट ग्राउंड के बाद लगा देंगे। तो इसके बाद हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया, हम प्रोग्राम रन करते हैं। अब देखिए, रन करने के बाद हमने ये देखिए, मैं जंप बट क्लिक कर रहा हूँ तो ये जंप लगा रहा है। अब जिसे ही ग्राउंड से हिट करेगा तो हमारी इंस्ट्रक्शन रन हुई और हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। अब हमें थर्ड टास्क हमें ये देंगे कि द व्हेन रन ब्लॉक अलाउज यू टू रन कोड व्हेन योर गेम स्टार्ट्स, अलाउज यू टू रन कोड व्हेन योर गेम स्टार्ट्स, ट्राई सेटिंग द लेवल स्पीड एंड फ्लैप टू द टारगेट। अच्छा, व्हेन रन तो इसकी स्पीड हम अब सेट करेंगे कि स्पीड कैसी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो वेरी फास्ट होनी चाहिए। ओके, तो हम क्लिक करते हैं, स्पीड करते हैं, हमारी स्पीड काफ़ी तेज़ है। ओके, हमने ये टास्क पूरा कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। अगला टास्क हमारा है फ्लैपी विल फ्लाई थ्रू ऑब्स्टेकल्स अनलेस यू राइट कोड टू मेक हिम क्रैश, अटैच ए ब्लॉक टू द व्हेन हिट एन ऑब्स्टेकल, ब्लॉक योर कोड नीड्स टू एंड द गेम व्हेन फ्लैपी क्रैशेस इनटू द फर्स्ट सेट ऑफ पाइप्स। यानी कि वो कह रहा है कि जब देखिए, जब क्लिक कर रहे हैं तो स्पीड उसकी सेट कर दी हमने, जब जब रन कर रहे हैं तो हम प्रोग्राम रन होने के बाद वो उसकी स्पीड चल रहा है, वो फिर वो फ्लैप कर रहा है क्लिक करने पे। अब व्हेन इट हिट्स एन ऑब्जेक्टिव तो हमें गेम एंड गेम करनी है, तो ऑब्स्टेकल के हिट करने के बाद एंड गेम करवा देंगे हम। सिंपल सी इंस्ट्रक्शन लगा दी है और ये हमारा टास्क भी पूरा होना चाहिए। ठीक है, सही है, हाँ ये भी सीख गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये कम्प्लीटेड द टास्क। ओके कंटिन्यू, ओके कंटिन्यू करेंगे हम। हमारा पांचवा टास्क देखते हैं क्या आता है। लेट्स एडिट अ स्कोर बोर्ड एंड काउंट पॉइंट्स व्हेन फ्लैपी मेक्स इट पास ऑब्स्टेकल, ऐड टू द व्हेन पास एन ऑब्स्टेकल ब्लॉक एंड देन स्कोर अ पॉइंट बाय फ्लाइंग फ्लैपी थ्रू द फर्स्ट सेट ऑफ पाइप्स व्हेन पास एन ऑब्स्टेकल। यानी कि स्कोर पॉइंट ऐड करना है हमने जब ये पाइप से पास करेगा। तो यहाँ तक तो हमने ठीक है। अब ये व्हेन पास एन ऑब्स्टेकल, तो ये देखिए हमारे पास स्कोर पॉइंट का एक ब्लॉक आ चुका है, हमने इसको सिंपल इसके साथ अटैच करना है। अब देखते हैं कि इसके पास करने पे स्कोर नज़र तो आ गया है, स्कोर मिलता है कि नहीं। हाँ ठीक है, स्कोर एक आ गया और हमारा टास्क पूरा हो गया। अब हम आगे चलते हैं। छठा टास्क हमारा क्या आता है। छठा टास्क है सी इफ़ यू कैन स्टिल स्कोर अ पॉइंट आफ्टर मेकिंग फ्लैपी फ्लैप आइदर अ स्मॉल और लार्जर अमाउंट। ठीक है, स्टिल यू कैन आफ्टर फ्लैपी, ठीक है, फ्लैप करवाना है इसको स्मॉल अमाउंट में या थोड़ी सी लार्ज अमाउंट में करवा के देखते हैं। ठीक है, लार्ज अमाउंट में करेंगे तो वहाँ से गुजर नहीं पाएगा, गेम हमारी एंड हो जाएगी। हाँ ठीक है, लेकिन टास्क तो कंप्लीट हो गया। उन्होंने कहा था कि आप चेक करके देखें कि आप लार्ज जंप के साथ भी क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली नहीं कर सके। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई चेंजिंग द सीन बाय अटैचिंग अनदर ब्लॉक टू द वेंडन ब्लॉक, ट्राई चेंजिंग द सीन, अगर सीन चेंज करना है कि जिस तरह ये अभी सीन है, सीन कहाँ है, सेट सीन, चेंजिंग द सीन अटैचिंग अनदर ब्लॉक व्हेन रन ब्लॉक, रन ब्लॉक के साथ। ठीक है, अभी डे है, ये डे नज़र आ रहा है तो ऐसा करते हैं हम नाइट कर देते हैं। ठीक है, चलते साथ ही ये फ़ौरन से नाइट में आ जाएगा। हाँ ठीक है, नाइट में हो गया कन्वर्ट। ठीक है, एंड गेम करा दिया, हमारा टास्क तो पूरा हो ही चुका है। टास्क तो पूरा हो जाएगा। अगला टास्क हमें आठवां क्या मिला, यू कैन सेट विजुअल एनी टाइम नॉट जस्ट व्हेन द गेम स्टार्ट, ट्राई सेटिंग अ रैंडम सीन व्हेन अदर इवेंट्स हैपन, फॉर एग्जांपल व्हेन पासिंग एन ऑब्स्टेकल। ओके, तो पासिंग एन ऑब्स्टेकल हमें रैंडमली, हमें ट्राई सेटिंग अ रैंडम सीन सेट करना है रैंडमली व्हेन पासिंग एन ऑब्स्टेकल। ठीक है, इसको रैंडम सीन सेट किया, पासिंग एन ऑब्स्टेकल। ओके ठीक है, क्या टास्क तो कंप्लीट हो ही गया। नौवा टास्क हमारा है
to mix things up when hitting an obstacle instead of ending the game try setting the score back to zero. यानी कि पाइप से टकराने के बाद मरने के बजाय हमारे उसका स्कोर ज़ीरो कर देना है. When hit an obstacle set score to zero. ठीक है, set score to zero. ठीक सही है, ये भी ठीक ही है, स्कोर तो वैसे ही ज़ीरो था. लास्ट टास्क है हमारा, क्रिएट योर ओन फ्लैपी गेम. यू कैन चेंज ऑल द विजुअल एंड ऑल द रूल्स इवन द ग्रेविटी व्हेन यू आर डन. क्लिक फिनिश टू लेट फ्रेंड्स ट्राई योर गेम ऑन देयर फोन. ठीक है, हमें सब चीज़ें खुद डिज़ाइन करनी है शुरू से. सबसे पहले जब हम गेम को रन करेंगे तो हमें फ्लैप करवाना है. ठीक है, मतलब जंप करवाना है नहीं, सबसे जब हम गेम को रन करेंगे तो स्पीड सेट करेंगे, स्पीड कर देंगे हम वेरी फास्ट. व्हेन क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे वो जंप करेगा, स्मॉल जंप करा देते हैं. व्हेन ही हिट टू द ग्राउंड एंड द गेम कर देंगे. व्हेन हिट एन ऑब्स्टेकल तो भी एंड द गेम कर देंगे. और व्हेन पास ऑन ऑब्स्टेकल तो हम स्कोर पॉइंट ऐड कर देंगे, स्कोर पॉइंट ऐड कर देंगे. सही है, अब हम इसको रन करके देखते हैं. ओके, 1.2 point 3 point 4 point 5 6 7 8 पे फिनिश हो गया. तो जी ऐसे हमने एक पूरा अपना कोड कंप्लीट कर लिया, हमने एक गेम मतलब तैयार कर ली. अच्छा, जो भी हमने ब्लॉक सेट किए हैं बेसिकली दीज आर प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स, इनके पीछे कोई प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स ही रन हो रही है. यहाँ तो हमें सिंपल वे में इन्होंने ब्लॉक्स बना के तैयार करके दिए हैं ना. और बेसिकली यही तरीका है बच्चों को प्रोग्रामिंग की तरफ लेकर आने का, यही प्रोग्रामिंग होती है, स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस. आपने कोई भी गेम बनानी है, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाना है तो वो इसी तरीके से बनता है, स्टेप बाय स्टेप. तो अब हमने ये टास्क पूरा कर लिया, हम इसको फिनिश करेंगे. फिनिश करने के बाद ये लोग आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं. ये अब इनका सर्टिफिकेट होता है कि अगर आपने कोई भी गेम पूरी की है तो आप उसको ये लोग आपको सर्टिफिकेट देते हैं. इसको आप प्रिंट भी करवा के अपने पास रखवा सकते हैं ताकि, और ये आवर ऑफ कोर्ट का सर्टिफिकेट मायने भी रखता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर डेट ऑफ यूनिवर्स लिखा. अब थैंक्स फॉर सबमिटिंग प्रिंट. ओके, डेट ऑफ यूनिवर्स आ चुके हैं. अब मैं इसको ऐसा करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ. ये देखिए ये डेटा ऑफ यूनिवर्स का सर्टिफिकेट है जो कि हमें मिला है कंप्लीट करने पे. मैं इसको प्रिंट करके सेव कर लेता हूँ अपने, सेव एज PDF करके. ऑल राइट ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया है. तो बेसिकली अब आपने एक गेम पूरी कंप्लीट कर ली है. अगर मैं आपको बता रहा था कि code.org है क्या, तो आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि code.org कितना एक वाइड प्लेटफॉर्म है और आप इससे क्या कुछ नहीं सीख सकते. ये तो मैंने सिंपली एक गेम के बारे में अगर आपको बताया. अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई देखिए, ये डांस पार्टी की एक गेम है, ये आप करना चाहते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ओशंस ये एक गेम है. ये सारी बच्चों को सिखाने की तरफ है. माइनक्राफ्ट, इंट्रो टू ऐप लैब, ऐप्स किस तरह बनाते हैं ये उस वो भी आप इसके ज़रिए बना सकते हैं. फिर ये गेम्स हैं इतनी सारी. फिर अब प्रोजेक्ट्स की तरफ देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं. अब देखिए यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी सारे हैं, जिस तरह स्प्रिट लैब, आर्टिस्ट, अगर आपने कोई आर्टिस्टिक वर्क करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं. ऐप लैब, कोई ऐप बनानी है तो आप यहाँ से बच्चों को इसी काम में लगा सकते हैं. वो गेम बनाते बनाते खेलते खेलते ऐप्स बनाने भी लग जाएंगे अभी से ही. और गेम लैब भी बना सकते हैं और ये कोई भी काम कर सकते हैं. यहाँ पे तो आपको सैकड़ों की तादाद में चीज़ें मिल जाएंगी, लोगों के प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे और भी बहुत सारा स्टाफ आपको यहाँ से मिल जाएगा. तो ये एक अनदर टूल है जो कि बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस है, आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए ताकि आप अभी से इसको देख सकें और अपने बच्चों को इस चीज़ में लगा सकें.